Recording. So we are now going to solve this exercise on bank reconciliation statement. अब आप यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट March 31, 2017। क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 3,200 रुपीज। मतलब यहाँ पे कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस है, इसको फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। बाद में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं जिसमें ऐसा बताया है कि कैश बुक और पासबुक में एक कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिससे डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रांजेक्शन दिया है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1,800। अब देखो, हमें ये डिसाइड करना है कि इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 3,200 रुपीज और बताया हुआ है सेकंड ट्रांजेक्शन में चेक इश्यूड, मतलब हमने किसी को चेक दिया था। तो हमने हमारे कैश बुक में इसको पेमेंट साइड बताया होगा, मतलब हमने माइनस कर दिया होगा हमारा बैलेंस। हमारी कैश बुक में 1,800 रुपये हमने माइनस कर दिए होंगे पेमेंट साइड रिकॉर्ड करके, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पर अभी तक ये चेक जो हमने इश्यू किया था, किसी को पेमेंट किया था, वो अभी तक बैंक में गया ही नहीं है, बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया है। तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन हमारे बैंक में 1,800 रुपये बैलेंस ज्यादा होगा, जबकि हमारे कैश बुक में 1,800 रुपये कम हो गए, क्योंकि हमने तो बता दिया है, माइनस कर दिया है, पेमेंट साइड लिख दिया है, बैंक ने अभी तक उसको डेबिट नहीं किया है, क्योंकि बैंक में ये चेक अभी तक गया ही नहीं है। तो इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने उसको माइनस कर दिया है कैश बुक में, बैंक ने अभी तक नहीं किया है, तो वापस ऐड कर दो। हम उसको वापस ऐड कर देंगे तो होगा क्या, हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो ये 1,800 रुपये का जो ट्रांजेक्शन है उसको आप प्लस कर दोगे, इसको आप प्लस कर दोगे। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। और देखते हैं आगे, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 17, 2,000 रुपीज। किसी ने हमको 2,000 का चेक दिया था, मतलब हमें चेक मिला था 2,000 रुपये का, हमको पेमेंट मिला था, तो ये हमारी रिसिप्ट हुई। तो हमने क्या किया होगा, ये 2,000 रुपया हमारी कैश बुक में रिसिप्ट साइड, मतलब डेबिट साइड लिख दिया होगा कैश बुक में, मतलब हमने प्लस कर दिया होगा। पर इस मंथ के एंड तक वो अमाउंट बैंक में जमा नहीं हुई है, क्योंकि वो चेक का अभी तक क्लियरिंग नहीं हुआ होगा, तो बैंक में 2,000 रुपया बैलेंस नहीं बढ़ा है, पर हमारे कैश बुक में हमने बढ़ा दिए। तो अगर हमें हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बताओ तो, प्लस करेंगे कि माइनस, आप बताओ इस बार। एनीवन, क्या करोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे 2,000 को स्टेटमेंट में? प्लस करोगे।
कैशबुक में तो ऑलरेडी प्लस किया हुआ ही है, बैंक में अभी तक ये अमाउंट जमा ही नहीं हुई है। हमको देखना है कि हमने स्टार्टिंग क्या किया है। हमने स्टार्ट किया है हमारे कैशबुक के बैलेंस से, तो आपको कैशबुक को माइंड में रख के चलना है। कैशबुक में हमने ऑलरेडी प्लस कर दिया है, बैंक ने नहीं किया है। तो अब आप ये सोचो कि हमने कैशबुक में प्लस कर दिया है पर बैंक ने नहीं किया है, तो कैशबुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट में क्या करना चाहिए? कैशबुक में तो करेक्शन नहीं करेंगे। फिर से सोचो, कैशबुक में लिख दिया है हमने, प्लस कर दिया है, तो मुझे बैंक के तरह अगर मेरा भी बैलेंस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस डेबिटेड 150। बैंक ने 150 रुपीज डेबिट कर लिया है, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया है, पर हमने कैशबुक में नहीं बताया हुआ है। तो बैंक ने माइनस किया है तो हमको भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो 150 को भी हम माइनस करेंगे। तो जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो क्या करोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आप स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर कैशबुक, जो प्लस वाले कॉलम में आप बता दोगे 3200। फिर जो 1800 रुपए का चेक हमने किसी को इश्यू किया था पर अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको वापस हम प्लस कर देंगे क्योंकि पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो 1800 रुपीज आप प्लस कर दोगे। फिर 2000 रुपये का जो पेमेंट हमने रिसीव किया था तो हमने हमारा बैंक बैंक कॉलम में लिख दिया है, कैशबुक के बैंक कॉलम में लिख दिया है, हमने बैलेंस बढ़ा दिया है, पर अभी बैंक में वो अमाउंट जमा ही नहीं हुई है 31 मार्च तक। तो बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस करना हो तो उसको माइनस कर देंगे हमारे स्टेटमेंट में, कैशबुक में नहीं, कैशबुक में तो जो है वही रखेंगे। बैंक ने 150 रुपीज का चार्जेस कट किया है तो हमको भी कट करना चाहिए हमारे कैशबुक में, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ सारे डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो कैशबुक के हिसाब से ले रहे हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैशबुक है। अभी प्लस माइनस को आप प्लस वाले कॉलम में लिखोगे 1800 रुपए और 3200 और माइनस वाले कॉलम में लिखोगे 2000 और 150, तो प्लस का टोटल ज्यादा होगा 5000 होगा, प्लस वाले का टोटल 5000 होगा। क्यों 5000? 3200 एंड 1800। प्लस वाला टोटल है, उसमें से आप माइनस वाला टोटल माइनस कर दोगे जो है 2150, 2150 जो माइनस कर दोगे आप, प्लस वाला टोटल आपका 5000 का है, तो तब जाके आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपका आ जाएगा 2850, जो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि प्लस ज्यादा है 5000 वाला, और यही है आपका आंसर बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां पे क्या होगा, बैंक का जो बैलेंस है पासबुक का 2850 होगा और हमारा बैलेंस 3200 है,
तो ये डिफरेंस ये तीन ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहे थे, और इस तरीके से आपको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अभी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, प्लस माइनस में डाउट हो तो। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पढ़ लो इसको अच्छी तरीके से, फिर आगे जाते हैं। आप लोग डिसाइड करो पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख के, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा एक बार देख लो, देन वी आर स्टार्टिंग दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन March 31st, 2017 द कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹3,700 एज कैश एट बैंक। देखो स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है कि कैश बुक में बैंक बैलेंस है 3,700, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग का हमारा ये पॉइंट हो गया कि हमारा 3,700 का कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस है, तो ये प्लस वाले में जाएगा। प्लस वाले कॉलम में आप इसको लिख दोगे स्टार्टिंग में, ऐसा लिखोगे बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 3,700। आगे पढ़ते हैं। बट The bank passbook made up the same date so that check for ₹700, ₹300 and ₹180 respectively had not been presented for payment. तीन चेक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ₹700, ₹300 and ₹180। ये हमने पेमेंट किया हुआ है किसी को, क्योंकि वहां पे लिखा है had not presented for payment, तो हमने चेक किसी को दिए होंगे, किसी को पेमेंट किया होगा, पर अभी तक बैंक से वो पेमेंट गया नहीं है, बैंक में वो अमाउंट माइनस नहीं हुई है। पर जब हम किसी को चेक इश्यू करते हैं तो हमारे कैशबुक में हम पेमेंट साइड बता देते हैं, हमने ऑलरेडी ये तीन अमाउंट माइनस कर दिया है कैशबुक में पेमेंट साइड लिख के, पर बैंक में से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो होगा क्या, इन तीन चेक की वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ है पर कैशबुक का बैलेंस कम हो गया है। अब आप सोचो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस इक्वल करना हो तो इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इन तीनों चेक को प्लस करेंगे कि माइनस, हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया, तीनों चेक को प्लस करके 3700 से माइनस कर देंगे। नहीं, ये तीनों चेक पेमेंट के है, ये तीनों चेक पेमेंट के है, तो हमने कैशबुक में उसको ऑलरेडी माइनस कर दिया है, ये तो तीनों को वापस हम क्या कर देंगे, तीनों को वापस प्लस कर देंगे, तीनों चेक, ऑल द थ्री चेक्स, तीनों चेक इसलिए प्लस कर देंगे ताकि हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाए, क्योंकि ये अमाउंट बैंक में से माइनस हुआ ही नहीं है, हमने माइनस कर दिया है, तो हमने माइनस कर दिया है,
बैंक ने नहीं किया है, तो अगर मुझे बैंक की तरह मेरा बैलेंस बताना हो तो मैं वापस प्लस कर दूंगा जो मैंने माइनस किया था। कहां करूंगा प्लस? स्टेटमेंट में, नॉट इन द कैश बुक। और आगे बताया है, ऑल्सो चेक्स अमाउंटिंग टू ₹1200 डिपोजिटेड इन टू द बैंक। हमने 1200 का चेक बैंक में डिपोजिट करवाया था, मतलब हमने हमारे कैश बुक में इसको रिसीट बता दिया होगा, बैलेंस हमने ₹1200 से बढ़ा दिया होगा। पर लिखा क्या है? हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, अभी तक बैंक में वो क्रेडिट ही नहीं हुआ है, वो अमाउंट अभी बैंक के बैलेंस में दिखा ही नहीं रहा है, तो हमारा बैलेंस 1200 से ज्यादा होगा, बैंक में कम होगा। अब हमने स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमने ₹1200 बढ़ा दिए उसको कम कर देते हैं, तो हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, तो इसको माइनस में बता देंगे। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा बैलेंस एज पर कैश बुक 3700। फिर आप उसमें प्लस कर दोगे तीन चेक 700 वाला 300 वाला चेक और 180, तो आपका जो प्लस का टोटल आ जाएगा वो प्लस का टोटल आपका हो जाएगा 4880। इसका टोटल करने के बाद आप चेक कर सकते हैं टोटल सही है कि नहीं। ये हो गया प्लस वाला मैटर। आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट की। ₹1200 का जो चेक है हमने डिपॉजिट किया था, तो हमने प्लस कर दिया होगा, उसको यहां से माइनस करोगे, आप माइनस कर दोगे ₹1200। तो माइनस करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 4880 से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3680। और ये जो आंसर होगा वो आंसर होगा बैलेंस एज पर पासबुक। चलो आ रहा है समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये 6 नंबर का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। तो ये दो एक्सरसाइज थे जो आपको होमवर्क में खुद करना है। एक और एक्सरसाइज दिया हुआ है यहाँ पे जो आप ट्राई कर सकते हो, 6 नंबर और 7 नंबर का एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है खुद ट्राई करने के लिए। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 को देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31st March 2018। द अमाउंट ऑफ पासबुक इज 1,84,100।
पासबुक में 1,84,100 का बैलेंस बताया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में पासबुक से आप स्टार्ट कर सकते हो या तो कैशबुक से आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर कैशबुक का बैलेंस दिया है तो दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। पॉइंट नंबर वन में आपको बताया बैलेंस एज पर कैशबुक 1,80,000, दोनों बैलेंस दिए, आप अपनी मर्जी से जो बैलेंस पहले लेना चाहो वो ले सकते हो, पर आप कौन सा बैलेंस पहले लेते हो उससे डिसाइड होगा कि प्लस करोगे कि माइनस। तो क्वेश्चन में यहां पे ऐसा है, पासबुक में बैलेंस बता रहा है 1,84,100 और कैशबुक का बैलेंस बता रहा है 1,80,000, तो डिफरेंस आ रहा है 4,100 का। अब सवाल ये है कि 4,100 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए, तो वन बाय वन हम उसको लेते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं। चलो हम कैशबुक के हिसाब से लेंगे, क्योंकि कैशबुक के हिसाब से अगर आप लोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा बैलेंस एज पर कैशबुक 1,80,000, जिसको आप प्लस करोगे। तो फर्स्ट वाली आइटम है 1,80,000, उसको आप प्लस कर दोगे, मतलब प्लस वाले कॉलम में आप इसको बताओगे। This is the first point. आगे चेक पेड इन टू बैंक इन मार्च बट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। अब देखो हम मार्च का बना रहे हैं, मार्च का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, और हमारे पास यहां पे इंफॉर्मेशन ऐसी है कि मार्च महीने में हमने एक चेक बैंक में दिया था, जमा करवाया था, जो अप्रैल में हुआ है, तो मार्च का जो बैंक बैलेंस हो गया वो बड़ा नहीं होगा, मार्च वाला बैलेंस बड़ा होगा नहीं। क्यों नहीं बड़ा होगा? क्योंकि ये चेक तो अप्रैल में बैंक में जमा हो गया, पर हमारे पास मंथली स्टेटमेंट आते हैं, तो इस वजह से मार्च मंथ का हमारा कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आ रहा होगा। तो 7,900 का चेक जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो मार्च मंथ में डिपॉजिट नहीं हुआ है, वो अप्रैल में हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं मार्च की, इसलिए हम मार्च के हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हमने वो चेक रिसीप्ट साइड बता दिया है और बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है मार्च में, अप्रैल में किया है, तो आप मुझे बताओ क्या करोगे, प्लस या माइनस? सोचो, थिंक, कैशबुक के हिसाब से डिसीजन लो, क्या करना चाहिए सोचो, प्लस करोगे क्या माइनस? कैशबुक में बता दिया है हमने, पासबुक में मार्च में नहीं बताया हुआ है, कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया है हमने, पासबुक में नहीं बढ़ा है, क्या करना चाहिए, माइनस या प्लस? बोलो क्या करना चाहिए, माइनस या प्लस? देखो कैशबुक में हमने इसको बढ़ा दिया है, अगर हमें बैंक के हिसाब से जाना है तो मार्च मंथ के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको हम माइनस बताएंगे, तब जाके हमारा और बैंक का बैलेंस मार्च का इक्वल होगा, अप्रैल की बात करनी ही नहीं यहां पे। आगे चेक्स इश्यूड, हमने इश्यू किए थे, हमने पेमेंट किया था,
मतलब हमने पेमेंट साइड बता दिया है कैश बुक में, बट क्रेडिटेड बाय बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ, बैंक ने उसको मंथ के एंड में क्रेडिट किया है। ये क्रेडिट वर्ड यहां पे नहीं आना चाहिए, यहां पे क्रेडिट वर्ड नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहां पे कैश वर्ड आना चाहिए, क्रेडिटेड की जगह पे डेबिटेड वर्ड आना चाहिए या तो कैश वर्ड आना चाहिए। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी यहां पे नहीं, नीचे यहां पे हमने इश्यू किया है तो हम क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट करेगी, तो बैंक ने अभी डेबिट नहीं किया है तो हमने पेमेंट बता दिया है, हमने माइनस कर दिया है, बैंक ने नहीं किया है तो हम वापस उसको ऐड कर देंगे तो हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर इन द कैश बुक, किसी ने हमको चेक दिया था कैश बुक में एंटर कर दिया है, रिसीप्ट साइड बता दिया है इन द मंथ ऑफ मार्च बट पेड इन टू बैंक इन अप्रैल, पर वो अप्रैल में बैंक में कुछ उसका इफेक्ट हुआ तो हमने प्लस कर दिया है, बैंक ने अभी तक नहीं किया है, हमने इसकी इफेक्ट दे दिए हमारे कैश बुक में, बैंक ने नहीं दिए तो 1000 रुपीज जो है वो हम यहाँ पे माइनस में बता देंगे। क्यों माइनस बताए गए, हमको ये चेक रिसीव हुआ था, हमने प्लस कर दिया है कैश बुक में पर अभी तक बैंक में नहीं हुआ है मार्च में, तो मार्च मंथ का बैलेंस अगर बैंक के हिसाब से करना है तो हमने जो प्लस कर दिया था कैश बुक में वो यहां से माइनस कर दो तो हमारा और बैंक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन और सेकेंड नंबर का ट्रांजेक्शन सेम है। अच्छा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, अब जब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया होगा तो डेफिनेटली बैंक ने बैलेंस बढ़ा दिया होगा तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा 2500 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने प्लस किया होगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, चार्ज का मतलब होगा डेबिट कर देना, बैंक ने हमारे अकाउंट से 500 रुपया काट लिया इंटरेस्ट का तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे, बैंक ने जो किया वो हमें करना है, डू व्हाट बैंक हैज डन, मैंने एक रूल बताया था, बैंक ने जो किया है वो तो हमें करना है, बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमें प्लस कर देना है, बैंक ने डेबिट किया है तो हमने माइनस कर देना है। अनडू व्हाट वी हैव डन, हमने जो कुछ किया है उसकी इफेक्ट कैंसिल करनी है, अगर हमने कुछ प्लस कर दिया है और बैंक ने नहीं किया है तो हम माइनस कर देंगे। जैसे कि यहां पे सेकंड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन, हमने कुछ माइनस कर दिया है पर बैंक ने नहीं किया है अभी तक डेबिट तो हम उसको वापस प्लस कर देंगे। जैसे कि यहां पे ट्रांजेक्शन नंबर 3 एंड फिफ्थ, तो इस तरीके से प्लस माइनस करने के बाद आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो होगा आपका फॉर द मंथ ऑफ मार्च ओनली, जिसमें आप देख सकते हो कि दो आइटम यहाँ पे प्लस हो रही है हमारे डिसीजन के मुताबिक 11,000 और 2,500 जो यहाँ पे ऊपर भी मैंने बताया हुआ है, ये रहा
दो आइटम और बाकी की तीन आइटम आप माइनस करोगे, बाकी का तीन आइटम आप माइनस कर दोगे, ये तीन आइटम माइनस कर दोगे, तो प्लस का टोटल आ रहा है 1,93,500 और माइनस का टोटल है 9,400। प्लस में से माइनस माइनस कर दोगे तो डिफरेंस आपको आ जाएगा 1,84,100 जो क्वेश्चन में दिया है, एंड दैट इज द बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक और कैशबुक का जो ये डिफरेंस है 1,80,000 एंड 1,84,100, ये जो डिफरेंस आ रहा था वो इन ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहा था, वो हमें पता चल गया। तो इस तरीके से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और आप बैलेंस कहां से स्टार्ट करते हो उसको ध्यान में रख के प्लस और माइनस के डिसीजन लेने हैं। यहां पे हम हमारा ये जो चैप्टर है उसको खत्म कर रहे हैं। समरी आपको दिया हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हो। कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, वो आपको देख लेना है, और जितने भी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए वो सारे एक्सरसाइज देखना, और कुछ एमसीक्यूज भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पे जो आप उसके आंसर डिसाइड कर सकते हो। अगर ना समझ आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले आपको क्या बताया है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक नहीं बनाता है, डेटर या क्रेडिटर नहीं बनाता है, जिसका बैंक में अकाउंट हो वो बिजनेसमैन बनाता है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं बनाऊंगा, क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे चेक करना है मेरा कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, ये वाला इसका आंसर रहेगा, सी। समझ रहे हो, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन, दैट मींस अकाउंट होल्डर। सेकंड, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस, कौन से बैलेंस से हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, पासबुक के बैलेंस से या कैशबुक के बैलेंस से, या तो बोथ पासबुक और कैशबुक, या तो नॉन ऑफ दिस। तो जैसे मैंने आपको बोला, आप कोई भी बैलेंस से बना सकते हो। आप चाहो तो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करो, आंसर कैशबुक के हिसाब से आएगा। अगर कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो आंसर पासबुक का आएगा। तो आप कोई भी बैलेंस से इसको बना सकते हो, तो यहां पे भी आंसर सी रहेगा, बोथ पासबुक एंड कैशबुक बैलेंस वी कैन प्रिपेयर। थर्ड एमसीक्यू में आपको बोला है कि पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, तो पासबुक किस चीज का कॉपी है, तो पासबुक हमने जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ की है उसका कॉपी है। तो पहला ऑप्शन है कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, दूसरा है बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक, थर्ड है कैशबुक कैश कॉलम ऑफ द कैशबुक, डी है कॉपी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सही आंसर है ए, हमारे जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ हुए उसकी ये कॉपी है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ये वाला आंसर रहेगा। अनफेवरेबल बैलेंस बैंक बैलेंस मींस अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, इसी पीपीटी में दिया हुआ है। अनफेवरेबल का मतलब होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर कैशबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल है, और पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल है। तो चेक करते हैं अनफेवरेबल बैलेंस किसको बोलेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नहीं वो गलत है, क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक, हाँ ये सही लग रहा है, डेबिट बैलेंस इन कैशबुक वो गलत है। तो सही आंसर होगा कि अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक। फेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होगा, तो फेवरेबल मतलब
कैशबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, नहीं गलत है। बी ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, हाँ ये सही है। सी भी सही है, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, ये दोनों सही है। अब दो आंसर तो हो नहीं सकते, इसलिए डी पॉइंट में बोला है बोथ बी एंड सी। तो सही आंसर है बोथ बी एंड सी, क्योंकि बी भी सही है सी भी सही है। द लास्ट पॉइंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, तो क्यों प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस को रिकंसाइल करने,